इट इज ट्राइंगर इन शेप विद वन कटिंग इज टूवर्स द इनर कर्च दिस इंपॉर्टेंटिंग सर्फेस दिज कटिंग सर्फेस द इनर कर्वेच दैट इज कन्वेंशनल कटिंग देन वी हैव रिवर्स कटिंग इट हैजन कटिंग सर्विस टूवर्स दउटर कर्वेच समझ आया ना राउंड बॉडी इज नॉट मेट टू कट थ्रू अ स्ट्रक्चर इट इज मेन टू पास थ्रू अ टिश्यू विच इज इजिली परफोरेटेड और पास थ्रू स्ट्रक्चर्स लाइक दे आर इन लेयर्स फॉर एग्जाम्पल मसल मसल इट इज मेड अप्रांस फाइब्रिल्स माओ फाइब्रिल्स तो उनके बीच में से इट इल इजली पास सो वी यूज राउंड बॉडी इन सच स्ट्रक्चर्स इंटर ओरली यूज कर सकते हैं बिकॉज आ मिकोजा इट्स इजिली पेनीट्रेटेड ओके एक्स्ट्रा ओरल का मैं बता रहा था कहां पे यूज करते हैं इंट्रोरली यू कैन यूज राउंड बॉडी ऑल्सो ठीक है कन्वेंशनल कटिंग इट इज लेस डिजायरेबल रिवर्स कटिंग इज मोर डिजायरेबल आई एक्सप्लेन बट अभी देख लो तीनों को कंपेयर करो वन इज राउंड बॉडी कन्वेंशनल कटिंग एंड रिवर्स कटिंग ठीक है ना इन कन्वेंशनल कटिंग इंसर्ट द नीडल इन डेंटल पैपिला और एनी टिश्यू फॉर एग्जाम्पल It will leave a one angulated portion, one end corner of the triangle towards the outer margin. So, when you tie the suture, it will tear through. The chances are there that it will tear through. So, it is more traumatic to the tissue. Whereas in conventional cutting, it will give a flat base towards the outer edge, towards the wound edge. So, it won't cut through. So, this is more preferable not only by oral surgeons, any surgeon. ओके सो इट इज लेस ट्रोमैटिक समझ आया तीनों राउंड बॉडी देर आर मेनी अदर क्रॉस सेक्शन ऑल्सो स्क्वायर शेप में भी होता है बहुत सारे अलग अलग आते हैं बट यू नीड टू नो दिस ओनली ये तीन काफी है